जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाली पनीर का रेसिपी। दो दो रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ और एक गार्लिक नान का। दोनों ही रेसिपी इतना टेस्टी और रेस्टोरेंट जैसा ही होगा। रेस्टोरेंट जैसा कैसे आप घर पे बना सकते हो, वही आपके साथ शेयर करना है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाली पनीर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कच्चा टमाटो लिया है और इसके साथ धनिये के पत्ते ऐड किया है। अभी पुदीने के पत्ते और ग्रीन चिली आपको ऐड करना है। दही के साथ और काजू के साथ आपको एक फाइन पेस्ट बना लेना है। जो जो इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने ऐड किया है, सभी इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करना है। एक भी इंग्रेडिएंट्स आपको स्किप नहीं करना है। और इसके बाद पनीर की बारी है। पनीर आप अपने हिसाब से ले लेना, पनीर कट आप अपने हिसाब से कर लेना, पर पनीर को आपको फ्राई करना पड़ेगा। आप कच्चा पनीर भी ऐड कर सकते हो, पर इतना भी टेस्ट नहीं आएगा करी में जितना कि फ्राई करके ऐड किया जाता है। अभी ना मैं इसमें नमक हल्दी से मैरिनेट कर लूँगी पनीर को और इसके बाद फ्राई कर लूँगी। फ्राई आप सरसों के तेल से ही करना गाइस। ये जो रेसिपी है ना, सरसों के तेल ही ज़्यादा है इस रेसिपी में। तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल लिया है और इसके साथ अभी पनीर को फ्राई कर लूँगी। हल्का गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, अभी इसे निकालेंगे कढ़ाई से और फिर इसी कढ़ाई में मैं ऐड कर दूँगी सरसों की तेल। ऐड करके आपको सूखी मिर्च, दालचीनी, लवंग, इलायची ये सब ऐड करना है। इसे चटकने देना है और इसके बाद ग्रेटेड प्याज या पेस्ट करता हुआ प्याज आपको ऐड करना है। पर आप तो जानते होंगे, जब भी ग्रेटेड प्याज या पेस्ट करता हुआ प्याज हम ऐड करते हैं ये चटकता है। तो आप चाहे तो इसमें नमक ऐड कर सकते हो। ये ऐड करने से क्या होता है, चटकना बंद हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक मैंने ऐड किया है। ये मैंने दो तीन कलियाँ इसमें फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड किया है। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हाफ टी स्पून ऐड करूँगी और सभी जो प्याज लहसुन का पेस्ट है सभी को मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। फ्राई करना ज़रूरी है गाइस। ये आप गोल्डन होने तक फ्राई करोगे तो ही इसका जो टेस्ट है बढ़िया आएगा। अभी जो मैंने पाउडर मसाला ऐड किया है, इसमें हल्दी पाउडर, ज़ीरा, धनिया और जो ब्लैक पेपर है वो मैंने ऐड किया है। सभी हाफ हाफ टी स्पून ऐड किया है और धनिया की पाउडर मैंने ड्राई रोस्ट करता हुआ धनिया की पाउडर मैंने ऐड किया है। मसाला को भी अच्छे से भूनूंगी और इसके बाद जो मैंने पेस्ट करके रखा था पुदीना, धनिया सभी मैं ऐड कर दूंगी। और इसके बाद मैंने जो अभी ऐड किया है हाफ टी स्पून नमक, और आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हो। शुगर ऐड करने से क्या होता है गाइस, जो कच्चा टमाटो है इसका एक खट्टापन रहता है वो बैलेंस हो जाता है। तो मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। और इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हो या बटर ऐड कर सकते हो इस प्रोसेस में। मैं इसमें अभी गरम मसाला और इसके साथ मैं मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ और सभी मसालों को अच्छे से भून के फिर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपको गर्म पानी ही ऐड करना है। मैं सभी करी ऐड करने से पहले कहती हूँ गर्म पानी आपको ऐड करना है, क्योंकि मसाला का टेस्ट भी रहता है और झटपट से करी बन भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। कितना करी रखना चाहते हो इस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है और एक उबल आने देना है। फिर आपको पनीर ऐड करके लास्ट में आपको फ्रेश क्रीम ऐड करना है। और आप चाहे तो कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करता हुआ आप ऐड कर सकते हो, पर मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि धनिया और पुदीना का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। कसूरी मेथी ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। तो देखिए, करी हमारा रेडी है। इसका एक फाइनल प्रोसेस है जो अभी मैं करूँगी। पहले तो डिश आउट कर लेती हूँ और इसके बाद फाइनल प्रोसेस में चलते हैं। ये जो प्रोसेस है ना गाइस, आपको ज़रूर करना है। ऐसे करने से दिखने में भी बढ़िया लगता है, खाने में भी फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बटर भी ऐड कर दिया है, आप चाहे तो घी ऐड कर सकते हो। और इसके साथ मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसे भूनना है और गार्निशिंग के लिए आपको ऐड करना है। दिखने में बढ़िया लग रहा है ना। तो चलिए, हरियाली पनीर तो हमारा रेडी है, अभी नान बना लेते हैं। नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कटोरी मैदा लिया है, आप आटा भी ले सकते हो। और इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड कर दिया है। ईस्ट आप ऐड कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ईस्ट का फ्लेवर जिनको पसंद नहीं मेरे तरह, आप स्किप कर सकते हो। आप दही और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से भी ये रेसिपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है और ईस्ट मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। इसके साथ रिफाइंड ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है।
पाउडर मिल्क आप ऐड कर सकते हो, स्किम भी कर सकते हो। पाउडर मिल्क ऐड करने से बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून, और इसके साथ अभी दूध ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे और ग्रीस कर लेंगे रिफाइंड ऑयल के साथ, और इसे ढककर रखेंगे। आप 1 घंटे के लिए रख सकते हो, आपके पास टाइम कम है। 8 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर आपको रखना है, और इसके बाद आपको लोइया तैयार करना है। इसे इतना भी मसलना ज़रूरी नहीं है कि रोटी जैसे हम मसलते हैं, इतना भी मसलना नहीं पड़ता है। नान बनाने के लिए लोहे के तावे की ज़रूरत है, मेरे घर में नहीं है, नॉनस्टिक के तावे में ये चिपकेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पुराना वाला एक तावा लिया है। आपके घर में पुराना वाला है वैसे नहीं है तो आप जो स्टील का कढ़ाई है इसमें भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो देखिए अभी मैं बेल रही हूँ, आप लंबाई से भी बेल सकते हो, गोल शेप में भी बेल सकते हो। वैसे भी नान का कोई निर्धारित साइज नहीं होता है। तो अभी ना मैं जो फाइंड चॉप किया हुआ गार्लिक वो मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया की पत्ती आपको ऐड करना है, और फिर से आपको हल्के हाथों से रोल कर लेना है। आप पतले भी बेल सकते हो या थोड़ा सा मोटाई से भी आप बेल सकते हो। और दूसरी तरफ मैं पानी ग्रीस कर दूँगी। जिस तरफ मैं पानी ग्रीस करूँगी इसी तरफ से ही मैं जो तावे इसमें डाल दूँगी और इसे सेकने के लिए दे दूँगी। तो देखिए मैंने सेकने के लिए रख दिया है, और इस तरफ सेक जाए फिर पलट के आपको सेकना है। कैसे सेकना है आप लोग देख लीजिए। तो गाइस आपने देखा कितने अच्छे से नान सेक गया है, पलट के आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से सेका है। गर्मा गर्म आपको सर्व करना है, और सर्व करते समय आपको बटर और गार्लिक ग्रीस करके सर्व करना है। तो देखिए पलट के मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे से सेका है। पहले ना आपको आज ज़्यादा बढ़ा देना नहीं है, ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये नीचे से जल सकता है, तो इसीलिए आँच पहले धीमी रखना है, इसके बाद आपको आँच बढ़ाना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेका है, सभी जो नान है इसे मैंने सेक लिया है। और आप हरियाली पनीर के साथ इसे इंजॉय कर सकते हो, या कोई भी मटन या चिकन के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है गाइस, दोनों ही रेसिपी इतना इजी और टेस्टी है, आप ट्राई करके देखना। अगर मेरा दोनों रेसिपी आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही,